हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जो आपकी लाइफ में आएगी उसे बहुत हैप्पीली डन कर लोगे। ऐसा नहीं कि मेंटली स्ट्रांग लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती या उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो हर प्रॉब्लम को अपने तरीके से कैसे फेस करना है ये सीख लेते हैं। मेंटली स्ट्रांग रहने से आप हमेशा हेल्दी रहते हो, आप किसी की बातों में इतनी जल्दी नहीं आते, कोई आपको इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता और आप अपने दिमाग से सोचते हो। मेंटली स्ट्रांग लोगों की यही बात सबसे अच्छी होती है कि उनमें खुद का दिमाग होता है। जो मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग का क्या मतलब होता है? जो खुद अपने मेंटल लेवल पर सोच सके, जो अपने दिमाग से काम कर सके, ना कि किसी और के कहने पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपको आखिर बनना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कई बार कईयों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमें। ये प्रॉब्लम कभी तो बहुत छोटी होती हैं और कभी कभी बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करती हैं आपको, लेकिन यहीं पर मानसिक शक्ति का महत्व समझ में आता है। शक्ति वो क्षमता है जो हमें कठिन समय में डटे रहने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, बस हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। पहला कदम है, अपने थॉट्स को नियंत्रण में रखो। मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ये आपको आपके अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगा, क्योंकि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप मेंटली स्ट्रांग तो क्या, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना होगा और उसके लिए आपको शांति में रहना होगा, ध्यान लगाना होगा, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आपको जो अच्छा लगे। बेशक दिन में 5 मिनट या 10 मिनट करो, लेकिन करो, उससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। ये अंतर आप खुद देखोगे मात्र कुछ दिनों में, करके देखना और मुझे बताना। हमारा मन हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है, इसे कंट्रोल में करना आपको आना चाहिए और आप देखोगे कि जीवन में हर चुनौती कितनी छोटी हो जाएगी। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप ये पाओगे कि आपकी लाइफ की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं और आप उन्हें बहुत आसानी से पार कर रहे हो। अलग अलग ध्यान टेक्निक्स, मतलब अलग अलग तरीके से आप जो अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं उनको अपना सकते हो। कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मन को शांत करते हैं, जबकि कुछ लोग मंत्रों के जाप से करते हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे उसे अपनाओ और नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा कदम है पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि मैं हर वीडियो में हमेशा हमेशा कहता हूँ। नकारात्मक थॉट्स को अपने दिमाग से निकालो और हमारे अच्छे की उम्मीद रखो, ठीक है? हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। लाइक ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव है। हर नेगेटिव चीज़ में भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है और तुम्हें उसे ढूंढना है। अगर हर चीज़ में पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं जो वो कहता हूँ ना कि अगर आप पॉजिटिव हमेशा सोचते हो तो आपके आसपास के सराउंडिंग्स, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट प्रेजेंट सब पॉजिटिव बन जाता है। केवल आपके सोचने पर निर्भर करता है। जीवन में ना जाने आपकी मतलब कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये आपके मन को, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है। तीसरा कदम है सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों को रखो। ये लोग आपको हिम्मत देंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। यह आपके मन को हल्का करेगा और आपको मानसिक शक्ति देगा और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। फिर भले ही वो आपके कुछ दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आदमी हमेशा नेगेटिव बोलता है तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी के सिवाय और कुछ नहीं दे पाएगा और आपको नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी चाहिए। चौथा कदम है सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी कमजोरियां और मजबूतियों को पहचानो और उन पर काम करो। खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो।
रोज़ाना कुछ समय निकालकर अपने दिन की पूरी एक अपने आप को मतलब एक सेल्फ एनालाइज करो कि आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार की ज़रूरत है, इन सब पर विचार करो और अगले दिन के लिए एक पूरा एक प्लान बनाओ कंप्लीट और अगले दिन उसको फॉलो करो। आखिरी कदम है, हार मत मानो। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हार कभी मत मानो। मानसिक शक्ति का असली मतलब है हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाकर रखना। याद रखो, मानसिक शक्ति ही वो चाबी है जो आपको सफलता के द्वार तक ले जाती है। विश्वास रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि हम कभी असफल ना हों, बल्कि ये है कि हम हर बार उठ खड़े हों जब हम गिरते हैं। ये बात नेल्सन मैंडेला ने कही थी। शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का गहरा संबंध होता है। नियमित योगा करो, इससे ना केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन भी मजबूत होता है। योग और प्राणायाम का अभ्यास करो, ये आपकी मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाता है, जिससे आप हर स्थिति में मजबूत रहते हो और कभी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने इस दुनिया को जीत लिया। नई चीज़ें सीखो, ये आपके माइंड को बिल्कुल एक्टिवेट रखता है और आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। पॉजिटिव किताबें पढ़ो, ये किताबें आपको नई थिंकिंग और विचार देंगी जो आपको मानसिक शक्ति को बढ़ावा देती हैं। हर दिन एक नया मौका है। हर दिन अपने आप को बेटर बनाओ, खुद बेटर बनो, अपने आसपास के लोगों को बेटर बनाओ और हमेशा पॉजिटिव सोचो।